उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत बेसिक शिक्षा विभाग में 36,590 चयनित सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया गया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के नवनियुक्त शिक्षकों से संवाद स्थापित किया। प्रदेश के समस्त जनपद अपने जिले के NIC के माध्यम से जुड़े रहे। इसी क्रम में सर्किट हाउस के NXC सभागार में प्रदेश के समाचार कल्याण मंत्री, जनपद प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने जनपद के 10 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों को अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक भविष्य निर्माता होता है। बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ाएं ताकि बेहतर समाज का सृजन हो सके। उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बताया कि गोरखपुर जनपद में कुल 580 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। प्रभारी मंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों से कहा कि बच्चों को शिक्षा देने की बड़ी जिम्मेदारी शासन द्वारा उन पर सौंपी गई है और वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से करेंगे, क्योंकि बच्चों की नींव मजबूत करने का आधार शिक्षकों पर है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए नवनियुक्त शिक्षकों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक संत प्रसाद, फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, संगीता यादव, जिलाधिकारी KVN पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह आदि उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनियुक्त सहायक अध्यापकों, जिलाधिकारी KVN पांडियन, सदर सांसद रवि किशन तथा प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री के व जनपद के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा। मंच पर आए हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। हार्दिक, समस्त जनप्रतिनिधिगण का, माननीय विधायक कैंबियरगंज, आप सभी का हार्दिक आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का शुभारंभ है कि पूर्ण अनुशासन के साथ आप सभी इस कार्यक्रम को करो। हम सभी हर्षोल्लासित हैं बेसिक शिक्षा पर। और
संस्कार थे और एजुकेशन था।
एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट, आप लोगों के तनख्वाह से ज्यादा ये गौर करना होगा कि भविष्य क्या है। सरकारी नौकरी महाराज जी ने कहा 3.5 लाख उपलब्ध हो गई है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे युग में जहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी हैं, जो इतनी बारीकियों से हम लोगों पर, हम लोगों के जीवन पर, हमारे बच्चों पर, हमारे आने वाली पीढ़ी पर काम किया जा रहा है सरकार द्वारा। अब इसके लिए आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। उन्होंने छोटी छोटी बात कही कि कोई पान थूकता है स्कूल के पास, सफाई नहीं है, कोविड के बारे में बच्चों को बताना, एजुकेशन के बारे में, स्मार्टफोन नहीं है गांव देहात के बच्चों को, ऑनलाइन की भी पढ़ाई चल रही है, कैसे हर चीज से उनको अवगत कराना, उनको उतनी बड़ी शक्ति बनाना कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह आज आप लोग शिक्षक बने, वो लोग भी जीवन में कुछ काबिल बने। आप लोगों के भी गुरु का आप लोगों पर हाथ होगा, तब आप लोगों का ये मुकाम मिला। तो ऐसे गुरु बन जाओ कि वो बच्चे यादगार, वो बच्चे पूरे देश में नाम करें, वो बच्चे उत्तर प्रदेश का नाम करें, माता पिता का नाम करें, वो कई और बच्चों को ट्रेन कर सके। एक ऐसी चेन बनाना होगा। आप लोग आज एक बहुत बड़े भविष्य की ओर जा रहे हो, और सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि पुरुषों से ज्यादा कुछ 10 की मात्रा में 286 महिला आज 286 महिला शिक्षक बन रही हैं, ये है हमारी सरकार के थॉट, ये हमारे प्रधानमंत्री का थॉट, ये हमारे मुख्यमंत्री जी श्री योगी महाराज जी का थॉट, इक्वालिटी, कोई जात पात नहीं, कोई ये नहीं, पुरुष महिला साथ चल रहे हैं, आज एक शक्ति बने हैं। और आज मुझे इतना गर्व हो रहा है कि सिर्फ महिलाएं बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं तो महिलाएं भी इक्वली इतनी बैठी हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी शुभकामना, और लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी मिली है। शिक्षक बनना इज नॉट अ जोक, ट्रस्ट मी इट्स नॉट अ जोक। शिक्षक बनना, जब हम सिनेमा करते थे तो मुझे, मैं 30 साल का एक्सपीरियंस रहा 650 फिल्में की, लेकिन जब मैं न्यू कमर को ट्रेन करता हूँ या मेरे सामने आते हैं तो आई नो कि मैं एक गलत चीज सिखाऊंगा, वो बच्चा पूरी जिंदगी, वो एक्टर पूरी लाइफ वही करता रहेगा जो मैं गलत सिखाऊंगा। एक एक कदम भूक कर चलना, इस जिंदगी को इतना, इस मौके को इतना इतना अद्भुत कर देना कि बोले वाह, क्या गुरुजी थे, क्या टीचर थी, क्या हमारी टीचर थी, व्हाट शी टॉट अस, शी रियली चेंज्ड आवर लाइफ। ऐसे कुछ करिएगा कि आपको बच्चे बोले कि फैंटास्टिक, वी हैड अ ग्रेट टीचर, शी चेंज्ड आवर लाइफ। आज हमारे डीएम साहब बैठे, इज अ हाईली एजुकेटेड मैन फ्रॉम तमिलनाडु, बिकॉज ऑफ एजुकेशन टुडे आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन। मुझे भी किसी ने सिखाया, लेकिन मेरे पास, मैं इतना एकाध दो गुरुजी हमको ठीक मिले, हमको इतना नहीं मिले, तो मेरे पिताजी गुरुजी बने। आप लोग वैसे गुरुजी नहीं बनना, हमको मारने वाले गुरुजी ज्यादा मिले थे। आप लोग मारना नहीं, मारना पीटना नहीं, आप लोग बातों से करना, बहुत बहुत आंख का गुस्सा दिखाना, अच्छे से सिखा देना। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इस मौके को ना अमर बना देना कि जीवन में आप लोग देखो, सब लोग पैदा हुए ना, तो जब आप लोग की मृत्यु हो तो लोग बोले कि आज वो चले गए, ऐसे यादगार खाली धरती पे खाना खाने। ऐसे कर दो कि जब आप लोग नहीं रहो ना तो आप लोगों की बातें होगी, वाओ फैंटास्टिक टीचर भी आए, व्हाट शी वाज टीचिंग शी इज नो मोर बट शी गेव अस अ न्यू लाइफ, उन्होंने हमको एक नया जीवन दिया है। तो ऐसा कुछ अपनी लाइफ में कर जाओ कि आप लोगों का जीवन अमर हो जाए। बस यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सभी टीचरों को बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशन, हर हर महादेव। मैं सभी का आज बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मुझे खुशी हो रही है, मुझे बहुत ही खुशी है। अभी सांसद जी ने अपनी बातों से बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, उनकी सोच बड़ी उज्ज्वल है। आप लोगों के उज्ज्वल भविष्य की हम लोग आज कामना करते हैं। प्रशस्त्री पत्र बटने से पहले मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि आप लोग एक अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक अनुरोध भी करूँगा, जैसा कि मालूम है हम लोग भी उसी प्राइमरी स्कूल से पढ़े हैं,
जब हम लोग पढ़ने जाते थे विद्यालय में, आज का परिवेश कुछ और है, लेकिन उस समय का जो परिवेश था, हम तैयारी करते थे और बच्चे बच्चों को वहाँ का हेडमास्टर कहता था, वो एक सुझाव देते थे और डिप्टी, जिस दिन डिप्टी डिप्टी उस समय कहा जाता था, जो आप यहाँ हम लोगों के यहाँ उप बेसिक शिक्षा अधिकारी जो जाते हैं एडीबीएस उनको एबीएस से कहते हैं, और जब आते थे तो बच्चों को एक चुनौती भरी उनको दिया जाता था कि आप कितना अच्छा काम करेगा उसको इनाम मिलेगा। हम लोग पहले पढ़ते थे, पेन और कलम नहीं था, पहले पटरी था, जो लकड़ी की पटरी होती थी उस पर या तो सेल का वो कालिक निकाल करके या तो दिए का कालिक निकाल करके उसको हम लोग फंस के पढ़ते थे। लेकिन उस दिन को हमको आप सबको, आज आप लोग हो सकता है इसमें से कुछ लोग पढ़े हो ना पढ़े हो, अच्छे विद्यालय में पढ़े हो, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हो, लेकिन मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ, ये एक शुरुआत है। हमको उस दिन की याद करनी चाहिए, उन गरीबों की याद करनी चाहिए। आपको जो आगे तनख्वाह मिलेगी वो किसकी तनख्वाह मिलेगी? वो किसान भाइयों के पसीने से गिरते हुए पसीनों की कमाई जो पूरे देश में जाती है, उस कमाई का गाड़ी कमाई का पैसा आपको तनख्वाह के रूप में मिलेगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रशस्ति पत्र लेने से पहले आप अपने मन के अंदर एक भाव उत्पन्न करेंगे, हम जिस विद्यालय में रहेंगे उस विद्यालय को एक इतनी ऊंचाई तक ले जाएंगे, वहाँ के गांव के जो गरीब घर के बच्चे हैं वो पढ़ करके हमारे जैसे अध्यापक या किसी डीएम जैसे, हमारे डीएम साहब जो बैठे इस तरह के अधिकारी बन करके जाएंगे। आज केवल हम अपना पेट पालने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए इस पद पर नहीं आ रहे हैं, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए बहुत सारे बच्चे आईएएस आईपीएस टीचर तमाम पदों पर जाएंगे अगर आप लोगों ने अच्छा शिक्षा दे दिया। सुनने को आता है, देखने को आता है कि बहुत सारे पत्रकार जब स्कूलों में जाते हैं तो अपने पूछते हैं उनसे, बहुत सारे शिक्षकों से, कि आप इतने का पहाड़ा बता दीजिए, वो पहाड़ा नहीं आता है। ये हमारे नहीं, ये शिक्षक समाज का गरिमा गिरती है, इसको हमेशा ध्यान में रखिए। मैं आपको एक सुझाव और देना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जिनको भी जो चीजें नहीं आती हो वो घर पर अध्ययन करें, अध्ययन करके उसको पूरी तरह से पहले अपने समझें, फिर बच्चों को सही दिशा में लेके जाएं और उनको सही दिशा में ले जाने का काम करें। और यहाँ पर शिक्षक बनकर के आने वाले भविष्य का निर्माता बनकर के आप लोग जाने वाले हैं, इसलिए हम स्वागत करता हूँ। और निकट भविष्य में आप अपने जैसा ही अपने से अच्छा और तमाम बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ा दें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। से हुआ था भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार, वही करना चाहते हैं। तो क्या था, जब पूर्व पूर्व जो है गए पढ़ना बुलाई और प्रकार शिक्षा सब गुरु के घर जाते थे पढ़ने, वहाँ हर प्रकार में शिक्षा प्राप्त करके आते थे अपने घर में, तो जान तो क्या करते थे, आजकल के लड़के बाबा दादा दाई दाई करके चले जाते हैं, भाई भाई करके चले जाते हैं, और उस समय क्या करते थे, प्रातः काल उठकर रघुना था माता पिता गुरु नाम माता, ये कल्चर हमको ले जाना है, ये कल्चर हमको सिखाना है। और आप लोगों की जिम्मेदारी है, समाज के सुधारक की जिम्मेदारी है, बच्चों के सुधार की जिम्मेदारी है, क्योंकि तो बच्चे मिट्टी के लोने हैं, आप उसके कारीगर हैं, जितना बढ़िया कारीगरी दिखा करके उन बच्चों को समाज में काम करने के लिए आगे बढ़ाएंगे, ये शुभकामना होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कथनी उतरनी मन कर। जो हम कहते हैं वो करते हैं, हमने कहा था हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, वह काम शुरू हो गया है। आने वाले कुछ दिन में कोई ऐसा बेरोजगार नहीं बचेगा जिनको हाथ में काम न हो। मोदी जी ने कहा है हम काम देंगे, ऐसा नौजवानों को
बनाएंगे कि वो भी और लोगों को काम देकर के सबको काम देकर के हर हाथ को काम देकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग जल्दी जाने वाले हैं, हमारे प्रतिनिधि जी को आगे जाने वाले हैं और हम लोग भी जाने वाले हैं, तो शादियाँ बहुत हैं, इसलिए मैं आप सबका पूरा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर ऑफ श्री चंद्रप्रकाश पांडे। नेक्स्ट कैंडिडेट मिस्टर नीलेश कुमार ऑफ श्री हरदेव पाल। मिस्टर मनोज सिंह, क्या जलवा है, मिस्टर मनोज सिंह सन ऑफ श्री मृत्युंजय सिंगारपुर के अधिकारियों से उनके कर कमलों से नियुक्ति पत्र को। नेक्स्ट मिस्टर मयंक सिंह प्लीज है वो मंच के सामने नीचे की ओर खड़े होंगे और उन्मुख हो सकेगा। वो पीछे ही ना आप चाहिए वह विद्यालय सौंदर्यीकरण रहा हो, चाहे ऑपरेशन कायाकल्प हो, चाहिए छात्र छात्राओं के बीच में दीक्षा पोर्टल के द्वारा से मनोज सिंह सर, हम लोग 2 साल से प्रयासरत थे सर, लेकिन योगी जी सरकार ने सर हम लोगों को नियुक्ति पत्र और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से लेके एमआरसी वाला जो मुद्दा पर था सब पे उन्होंने विजय दिलाई और हम लोगों को नियुक्ति पत्र से हम लोग खुश हैं। इसके लिए हम लोग सर उत्तर प्रदेश सरकार से सर हम लोग आभार प्रकट करते हैं। सर उनको सर आभार व्यक्त करना चाहेंगे सर। मैं देवी पटेल, हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमको नियुक्ति पत्र मिला। हम बहुत दिन से मतलब इस दिन का बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे थे और हमने जो मेहनत किया उसको सफल हो गया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपने मुख्यमंत्री जी को। और उन्होंने बताया कि मतलब वो हमें बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना है मतलब और बहुत मेहनत करना, वो तो हमें पता है कि हमें बहुत मेहनत करना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, अपने से अच्छा बनाना है, बस यही सब और हमें शुभकामनाएं दी। हमारी सरकार क्या बोले बहुत अच्छी है कि हमें इस मौका दिया, हमें शुभ अवसर दिया कि हम बच्चों को आगे बढ़ा सके। आज जनपद गोरखपुर में दूसरे चरण में नियुक्ति पत्र जो बचे हुए टीचर्स लोगों का दिलाया गया है, तकरीबन तो आप देखे होंगे 650 टीचर आज मौजूद हैं, उन लोगों को दी भी है, एक अच्छी बात है। इस पे तो आधा फीसदी जो महिला है आधा फीसदी पुरुष है और जनप्रतिनिधिगण और CM साहब के माध्यम से कार्यक्रम हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ से जुड़े थे, इन लोग से वार्तालाप भी हुआ था, बहुत लोग से चर्चा भी किए थे और इन लोग सभी टीचर ने संकल्प भी लिए हैं ताकि सरकार ने इतने समय के बाद इन लोगों का नियुक्ति पक्का किया है और उसी का जो वादाएं पूरा कराने के लिए संकल्प लेके गए हैं। उम्मीद है यहाँ गोरखपुर में तकरीबन 3,000 विद्यालय, मेरा बेसिक शिक्षा विद्यालय है, तकरीबन 3,00,000 बच्चे पढ़ते हैं इस पे और कोरोना काल में तो बंद है, उम्मीद है तो जनवरी फरवरी में विद्यालय खुल भी जाएगा, बहुत सारे बच्चे बोर्ड भी जाने वाले, उसकी व्यवस्था तो कर लिए, बट बेसिक शिक्षा का जो कितने विद्यालय है कोविड काल में हम लोग कायाकल्प के रूप से सभी विद्यालय का बढ़िया से करा लिया, टाइल्स लगा करके कहाँ कहाँ जो शौचालय नहीं है सभी का सुविधा करा दिया, अब बस अभी टीचर के जा करके वो बच्चे का ज्ञान वृद्धि बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो भी पूरा हो गया है। उम्मीद है ये तो भविष्य में तो बहुत अच्छा सिस्टम के रूप से बहुत अच्छे बच्चे पढ़ के अच्छा उद्योग में अच्छा एक तरफ पूंजी के रूप से निकालेंगे और रोशन करेंगे इसी प्रदेश के जगह पे और देश को। आप बहुत अच्छा लगा, सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा
हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी महाराज जी को धन्यवाद दूंगा कि नारी सशक्तिकरण की जो बात थी आज मैंने वो समय अपने आंखों के सामने समक्ष देखा कि आज यहाँ गोरखीपुर में करीबन 289 महिला शिक्षक ज्वाइन की और ऑल टुगेदर 72,000 लोग आज उत्तर प्रदेश में शिक्षक बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि पूज्य महाराज जी ने कहा कि 3.5 लाख लोगों को उनके कार्यकाल में सरकारी नौकरी मिल गई है, एक नए भविष्य की और एक एजुकेशन, जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक्सप्रेस प्रदेश कहा था, अब एजुकेशन प्रदेश कहा जाएगा, ज्ञान का भी भंडार होगा। 24 करोड़ की आबादी में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उनकी शिक्षा, उनका रख रखाव, उनको पढ़ाना ऑनलाइन से लेके उनका सेहत, उनका खान पान, स्कूल की का हाईटेक होना, अपग्रेडिंग करना, उत्तर प्रदेश आने वाले समय में एजुकेशन का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है और उसकी शुरुआत हो गई है। तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद साधुवाद देता हूं और सारे शिक्षकों को ऑल द बेस्ट की एक ऐसे बच्चों का चेन बनाएं कि वो बच्चे भी एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ें और मेरा देश और शक्तिशाली हो और हम लोग एशिया के सबसे बड़े सुपर पावर बन जाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार ने जो संकल्प किया था कि हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसमें आप लोगों ने अपना योगदान दिया है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। नहीं, वही हम सबसे कहें कि जाकर के जिस प्रकार से जिस काम के लिए आपको किया गया है उस काम को पूरा करिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए।